चुनाव के दौरान कई सरकारी कर्मचारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाया था। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्जरी करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी 230 विधानसभा सीटों से उन सरकारी कर्मचारियों के नाम मंगाए हैं जिन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगे थे। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, पर इससे पहले ही कमलनाथ कार्रवाई करने के मूड में आ गए हैं। नतीजा क्या होता है ये तो भविष्य की गर्त में है, पर कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में अब उनकी ही सरकार बनने जा रही है। चुनाव के दौरान कई सरकारी कर्मचारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया था। अब कमलनाथ के आदेश पर उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने एक पत्र जारी कर सभी कांग्रेस प्रत्याशी को लिखा है कि इस पत्र से उन अधिकारी कर्मचारियों के नाम दीजिए जो चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रभारी संगठन राजीव सिंह ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेसियों के साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, आपने पत्र बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 17 तारीख को जब मतदान हो रहा था तो उस समय हमारे प्रत्याशी प्रत्येक मतदान केंद्र पे उनके कार्यकर्ताओं के साथ जा जा के संपर्क कर रहे थे। कुछ जगह ये शिकायतें आई थी कि जहाँ पर उन लोगों ने नामजद शिकायतें हमारे पास करी थी कंट्रोल रूम में, और हमारे यहाँ उस दिन कंट्रोल रूम में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे जो सारे वकील थे, एडवोकेट थे, वो लोग यहाँ मौजूद थे। तो जितनी हमारे पास शिकायतें मतदान के दौरान आई थी, हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट उसी समय चुनाव आयोग को करी थी। सब जगह से नहीं थी, जहाँ से भी आई थी। तो अगर ऐसा कहीं और भी जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें शिकायत करी, और ऐसा हम समझते हैं कि इस बार सभी लोगों ने निष्पक्ष चुनाव कराने का मन था लोगों का, कुछ जगह बहुत ज्यादती करी गई, जहां हमारे कार्यकर्ताओं की मतदान के बाहर टेबल लगती है वहां टेबलें नहीं लगने दी। कई जगह जहां हम लोगों ने शिकायत करी कि साहब ये बहुत इकट्ठे होकर बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना है, वहाँ पर पुलिस के कुछ लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। एक दो जगह तो अधिकारियों की शिकायत नामजद हमारे पास करी गई, तो जो हमने चुनाव आयोग को उसी समय कर दी थी। तो अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो 30 तारीख तक हमारे पास जानकारी आ जाए। भाई, हमने 230 को लिखा है, और उसमें आप पत्र देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मतदान के दौरान जो शिकायतें प्रदेश कांग्रेस को प्राप्त हुई थी वो हमने चुनाव आयोग को नामजद भेजी हैं। वो तो लिस्ट हमारे पास है, कई जगह से फ़ोन पर ही शिकायत करी, हमने उसका निराकरण फ़ोन पर ही कर दिया। उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसा लगता है, उसमें लिखा है मैंने कि लगता है कि अगर किसी ने ज्यादती करी है तो उनके नाम हमें दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।